रेकी के थ्रू अगर हमारे को स्लीपिंग पैटर्न बदलना है, इम्प्रूव करना है, तो पहले हमारे को ये समझना पड़ेगा कि हमारे को नींद क्यों नहीं आ रही। क्योंकि नींद ना आना ये बड़े सारे कारण हो सकते हैं। हमारा पेट खराब है, हमारे सिर में दर्द है, हमें टेंशन है, हमारे झगड़ा हुआ हुआ है किसी से। तो पहले तो हमारे को ये समझना पड़ेगा कि नींद क्यों नहीं आ रही या हमारा जो पैटर्न है वो क्यों चेंज हो रहा है, ठीक है ना। तो पहले हमारे को उसको आइडेंटिफाई करना, वो कैसे करेंगे, वो हम खुद जानते हैं कि हमारे को नींद क्यों नहीं आ रही है। या तो हमारे को भूख नहीं लग रही, गैस प्रॉब्लम है, एसिडिटी हो रही है, या कोई और टेंशन है, कोई और प्रॉब्लम है। और दूसरी आज की डेट में बड़ी अच्छी चीज़ आ गई है हमारे सबके पास कि हम सबके पास मोबाइल है और इंटरनेट भी बड़े आराम से अवेलेबल है। तो बच्चे भी रात को 2-2 बजे तक, 3-3 बजे तक मोबाइल पर लगे होते हैं, गेम कर रहे होते हैं, सोशल नेटवर्किंग साइट पर लगे रहते हैं। तो सबसे पहले तो ये जो बीमारी है जिसे हम लोग मोबाइल बोलते हैं, इसको थोड़ा सा पैटर्न का चेंज करिए कि 2-3 घंटे पहले जब भी आपको सोना है तो उसको स्विच ऑफ करके या साइलेंट मोड पर अलग रख दें। जब तक कि कोई ज़रूरी काम ना हो, मोबाइल से दूर रहें, टीवी से दूर रहें, और जितना हो सके अपनी फैमिली के साथ टाइम बिताएं। अगर आप अपनी फैमिली के साथ टाइम बिताते हैं और हेल्दी खाना खाते हैं तो डेफिनेटली आपकी नींद का पैटर्न बड़े आराम से ठीक हो जाएगा। बाकी तो आप मेडिटेशन करेंगे तो आपके जो चक्रास हैं वो खुल जाएंगे अपने आप, जो भी आपके दिमाग में रुकावट है वो ठीक हो जाएगी और आपकी हेल्थ ठीक रहेगी, तो नींद आराम से अच्छी आएगी आपकी।